बहुत गांव में आप पहुंच चुके हो, आगे बहुत पहुंचना बाकी है। गवर्नमेंट का जो कोऑपरेशन आप कुछ एक्सपेक्ट करते हो गवर्नमेंट की तरफ से हर जगह? देखिए, हम लोग लार्ज स्केल पे बड़े, हमारा क्योंकि टॉप डाउन अप्रोच है ही नहीं, तो हम जाके किसी स्टेट में और उसमें डायरेक्ट बात नहीं कर रहे, बट अदरवाइज तो बहुत सारे गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ हम काम करते ही हैं। यदि हम आज इंडियन आर्मी के बहुत सारी यूनिट्स के साथ में हम कश्मीर में काम करते हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के साथ में करते हैं, स्कूल की जो लोकल बॉडीज़ हैं उनके साथ में काम करते हैं, क्योंकि हम लोग स्कूल में आंगनवाड़ी में बहुत काम करते हैं। यदि कहीं जंगल में काम हो रहा है तो वहाँ के एक अलग चीज़ें हैं जिसमें लोकल अथॉरिटीज़ का योगदान रहता है। तो हम लोग, मतलब क्योंकि हमारा कोई कन्फ्रंटेशन मोड नहीं है, हम किसी को ये नहीं कह रहे कि ये नहीं हुआ इसलिए करना है, अरे भाई ये किसी ने नहीं किया इसलिए करना है, हमें दिख रहा है कि ये अभी अधूरा है, इसको साथ मिलके कर सकते हैं। तो कच्चा कुआं हम बना देते हैं, पक्का सरकार बना देगी। कच्ची सड़क हम बना लेते हैं, आपस में मिलकर पक्की सरकार बना लेगी। आप हमेशा बोलते हो कि हम लोग वायरस है, मतलब डिफरेंस इतना है कि हम लोग सकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं, तो ये वायरस लोग जितनी तेजी से काम कर रहे उतना जल्दी विकास हो रहा है। इंस्पिरेशन क्या है, क्योंकि आप तो बहुत लोगों को इंस्पायर किए हुए हो, यू इंस्पायर्ड अ लॉट, आपकी इंस्पिरेशन कौन है? देखिए, एक तो ऑल द कोरोना के बाद तो वायरस बहुत ही नेगेटिव शब्द हो गया, और मैं तो खुद भी क्योंकि कोविड की जर्नी से निकला हूँ तो वो उसको बहुत करीब से देखा है। हम शुरू से ये बोलते हैं कि भाई वायरस के कुछ खूबसूरत चीज़ें होती हैं। और वायरस की खूबसूरत चीज़ें ये हैं कि वो जाति धर्म नहीं देखता, वो ज्योग्राफी नहीं देखता, वो बॉर्डर नहीं देखता, वो किसी को भी चिपक जाता है। तो यदि हम पॉजिटिव वायरस नहीं देखता, किसी के पास है किसके पास नहीं, एग्जैक्टली, तो वो उसके लिए सब बराबर है। हाँ। तो हम इसीलिए अपने को पॉजिटिव वायरस बोलते हैं कि हम सोच का वायरस है, पॉजिटिव सोच का वायरस है, पॉजिटिविटी लाने की कोशिश करेंगे। और जहाँ तक इंस्पिरेशन का सवाल है, मैं पढ़ता नहीं हूँ, मतलब जो बुक्स हैं या थाट्स हैं वो संभव नहीं पढ़ता, बहुत साल पहले छोड़ दिया। मैं हमेशा कहा करता था कि मैं मतलब व्यूज़ नहीं पढ़ूंगा, न्यूज़ पढ़ूंगा। अब तो न्यूज़ भी नहीं बच्ची पढ़ने लायक, तो उससे भी थोड़े अलग हो रहे हैं। बट एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन मुझे हमेशा मिलता है विलेजेस से, और बहुत सारे लोगों से जो स्लम्स में रहते हैं। क्योंकि स्लम्स का हमें एक बात ये समझनी पड़ेगी कि स्लम सिटी का एक्सटेंशन नहीं है, ये गलत फहमी है। स्लम यदि सिटी का एक्सटेंशन होते तो मेरे और आपके जैसे लोग भी जाके रहते। स्लम विलेज का एक्सटेंशन है, उनका जो वैल्यू सिस्टम है वो गाँव से गया हुआ है, और यही वजह है कि पेंडेमिक में लॉकडाउन के बाद सब रूट्स पे वापस आए। गांव के जो आम इंसान है, आप उससे ये सीख सकते हैं कि रेजिलियंस क्या होता है, रीबिल्ड कैसे किया जाता है, इतने सारे कष्टों के बीच में आप मुस्कुरा कैसे लेते हैं, आप गाना कैसे गा लेते हैं, आप भजन कैसे कर लेते हैं, आप एक छोटी सी पार्टी भी कैसे कर लेते हैं, आप चाय कैसे इंजॉय कर लेते हैं, मतलब हर छोटी चीज में खुशियां। हाँ, आप देखो ना, आप यदि आप इतनी बार आप भी गए होंगे, हम भी जाते हैं गांव में, हमें तो आज तक कोई ऐसा इंसान नहीं मिला जो हाथ फैला के बोल रहा हो मुझे दे दो। क्योंकि मैं तो लोगों से साफ कहता हूँ कि भाई देखो, गांव में भिखारी नहीं मिलते, भीख शहर का विषय है। गांव में सब एक जैसे? हाँ, गांव में देने वाले लोग हैं, गाँव में वो जो भी करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि अपना समय देते हैं, वो तो सबसे कीमती है ना। हम लोग किस चीज़ के भाव खाते हैं कि हम पे समय नहीं है, और वो लोग खाली नहीं बैठे हुए हैं। उनकी यदि कोई महिला हमारी मीटिंग में 4 घंटे लगा के जाती है, तो ऐसा नहीं है कि उस दिन के उसके जो बाकी काम है या जिम्मेदारियां हैं वो ख़त्म हो गई हैं। उसको एग्जैक्टली वैसे ही खाना बनाना है, सब कुछ काम तो उसको करना है, उसके बाद भी वो 4 घंटे हमको दे रही है। सर, आप बहुत अवार्ड में सम्मानित हुए हैं, रमन मैग्सेसे अवार्ड पर भी आपको सम्मानित किया गया है, तो एप्रिसिएशन एंड अवार्ड आपके लाइफ में क्या किरदार निभाते हैं? देखिए, अच्छा लगता है, फॉर श्योर। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे अवार्ड्स का एक बहुत बड़ा असर उन हज़ारों लोगों के साथ हुआ जो हमारे साथ में काम करते हैं, जो हम पे भरोसा रखते हैं। मतलब मुझे याद है जब 2015 में मैग्सेसे मिला था, तो देश के बहुत सारे गांवों में मिठाई बटी थी, और ये बहुत सारे गाँव के लोगों को ये भी नहीं मालूम कि मैग्सेसे अवार्ड क्या है। उसके बाद भी क्योंकि एक रिकग्निशन मिला था, मीडिया ने कवर किया था, तो आपको वो एक बहुत सारे लोगों को अपने ही आइडिया पर अपने पे ही भरोसा होता है कि भाई कुछ अलग तरह का कर रहे थे। कि लोग, आप कहते हैं कि गांव के लोग पैसे के बदले काम नहीं करते, और आजकल चावल फ्री मिल रहा है इसलिए नहीं करते, वो नहीं करते, और यहाँ हम लोग कई सौ किलोमीटर सड़क बनाए बैठे हैं, हज़ारों पोखरों पर काम कर चुके हैं, और वो सब उन्हीं लोगों ने किया है। और
ऐसा नहीं कि फैमिली किट आ जाती है वो हमारी तरफ से तभी करते हैं, उसके बिना भी करते हैं। अभी मैं पिछले 22 तारीख से यहीं घूम रहा हूँ,